हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th SST. स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, इन SST वी आर डिस्क्राइबिंग चैप्टर नंबर 3 इन सिविक्स, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. सो एज यू नो, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रॉम हियर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट. यहाँ से स्टडी करेंगे हम. सो द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट दैट अ मिनिस्टर इन चेंज ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी शॉर्ट कमिंग रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट. In such a situation, in order to save the government, the Prime Minister can ask for the resignation of the concerned minister in charge. The principle of collective responsibility states that the minister in charge of a specific department is responsible for the shortcoming related to his department. जो इसके जो सिद्धांत होते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक सामूहिक रूप से होती है स्टेट की. दैट द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, यानी विशेष डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है शॉर्ट कमिंग रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट से. इन सच ऐसी सिचुएशन पर, इन ऑर्डर टू सेव द गवर्नमेंट, राज्य सरकार को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क फॉर द रिजाइनेशन. प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन करने के लिए कह सकता है. लोकसभा कैन आल्सो पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जो लोकसभा होती है वो भी अविश्वास मत प्रस्तावित कर सकती है. इफ डज नॉट वर्क, अगर गवर्नमेंट सही से प्रॉपरली काम नहीं कर रही है. इन सच ए सिचुएशन ऑल द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू रिजाइन. ऐसी स्थिति में सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री के साथ रिजाइन करना होता है. तो गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. It remains in power and enjoy power as long as it works as the governing body of the people's representative. Minimum wages, ये हमारा टॉपिक है. Minimum wages, न्यूनतम मजदूरी. Minimum wages consist of the basic wage and allowance linked to the cost of living index. In 1928, ILO, International Labour Organization, set up a convention machinery to administer minimum wages. After convincing opinion, the government felt that need for establishing wages board in India finally in 1929. और minimum wages को लेकर के जो ILO था उसको एक वेजेस बोर्ड की स्थापना करनी पड़ी 1929 में. द रॉयल कमीशन ऑन द लेबर वॉज अपॉइंटेड. दैट द पॉइंटेड आउट दैट इट वुड बी नेसेसरी टू डेवलप द मेथड्स फॉर फिक्सिंग मैक्सिमम वेजेस. अब इस तरीके से जो कमीशन, रॉयल कमीशन बनाया गया, ऑन द लेबर वॉज अपॉइंटेड, जिस लेबर को अपॉइंट किया जाता था, इट वुड बी नेसेसरी टू डेवलप द मेथड्स फॉर फिक्सिंग मैक्सिमम वेजेस. तो उसको फिक्स, जो निश्चित न्यूनतम मजदूरी होती थी वो उसको देना होता था. इन दोज ट्रेडर्स ट्रेस और वेजेस आर लो, कुछ वो व्यापार जिनकी वेजेस बहुत कम थी, एंड दोज इज नो मार्जिन ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग, द कमीशन फर्दर रिकमेंडेड द केयरफुल
सर्वे ऑफ दोज ट्रेड्स फॉर लो वेजेस आर पेड टू वर्कर्स। बिटवीन 1919 एंड 1940 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एक्टेड एज द पैसिव रेगुलर ऑफ द लेबर इन द इंडस्ट्री, बट द इंफॉर्मेशन द बट द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 रेज द होप ऑफ द वर्कर्स अगेन। लेबर इंक्वायरी कमिटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946, जो लेबर इंक्वायरी कमेटी यानी जो मजदूरों के हित में कमेटी बनाई गई 1946 में, फाउंड दैट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वर वेरी लो, और उसने ये पाया कि जो वर्कर्स हैं उनकी मजदूरी बहुत कम है। सजेस्टेड टू इम्प्रूव द एक्सिस्टिंग लेवल ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब इसके बाद एक एक्ट बना जिसको मिनिमम वेजेस एक्ट के नाम से जाना जाता है 1948 में। अब इसमें क्या था, 1946 द मिनिमम वेजेस एक्ट MWA वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। द बिल केम इनटू फोर्स ऑन 15 मार्च 1948, और वो जो बिल बना, विधेयक जो बना, वो 15 मार्च 1948 को प्रभाव में आया। इस एक्ट के तहत क्या था कि बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एग्री टू फिक्स रिवाइज द मिनिमम वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज, कि जो कर्मचारी है उसकी कम से कम मजदूरी तय की गई। इट वॉज रिवीव्ड दैट मिनिमम वेजेस शुड कवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैलोरीज। अब जो मिनिमम वेजेस बनाई गई थी वो कैलोरीज, शेल्टर, क्लॉथिंग, एजुकेशन, मेडिकल असिस्टेंस एंड द एंटरटेनमेंट ऑफ एट लीस्ट अ फैमिली ऑफ फोर, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाई गई थी। चूँकि मिनिमम वेजेस कम से कम मजदूरी जो तय की गई, इन सब चीज़ों को कि वहाँ का जो वर्कर है उसका खाना कितना होगा, कितने का खाता है, शेल्टर जो रहता है उसमें क्या खर्चा आता है, कपड़े पहनता है उसका क्या, जो एजुकेशन है उसका क्या, मेडिकल असिस्टेंस है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मिनिमम वेजेस बनाई गई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वॉज टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स इन अ कम्पिटेटिव मार्केट बाई फिक्सिंग द मिनिमम रेट ऑफ द वेजेस। द मेन इंटेंशन इज टू अप्लाई दिस एक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड टू सिक्योर दियर इंटरेस्ट। इट इज अप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। नाउ ड्रॉबैक क्रिटिकल फीचर्स ऑफ द एक्ट, वी विल डिस्कस अबाउट इट नेक्स्ट वीडियो।